दीपावली के त्यौहार आने वाला है। इस समय तांत्रिक क्रियाएं बहुत होती है, विशेष करके करवा चौथ से लेकर के दीपावली के दिन तक ये 11 दिन की जो समय होते हैं इसमें विशेष करके लोग मतलब तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जिससे उतारा वगैरह होती है उसमें, जैसे नींबू से उतारा कर लिए, चौमुखे दिए से उतारा कर लिए, इनसे इनको ले जा करके चौराहे पे फेंक दिए या किसी के छत पे फेंक दिए, इन सब चीज़ों से अपने को संभल के चलना है। जैसे चलना है तो चौराहे में देख के चलें और विशेष करके सफ़ेद मिठाई दिवाली के दिन खा करके ना चलें। जैसे सफ़ेद मिठाई हो गया, खीर हो गई, हाँ ये चीज़ खा करके ना चलें, इसको इस समय वो होता है। और किसी के घर से भी, किसी के भी हमारे इष्ट से, इष्ट मित्रों से जो फल मिठाई आती है उस मिठाई में से प्रभु के चरणों में कुछ भोग लगा करके फिर अपने प्राप्त करें। अगर इनसे पैर टकरा जाता है तो फिर क्या कुछ दुष्परिणाम होते हैं? ऐसे में पैर टकरा जाते हैं तो दुष्परिणाम, जिस तरीके से अगले व्यक्ति ने उतारा करा है उसकी जो भी अवगुण को उतारने के लिए करा गया है वो अवगुण आप पे आ जाते हैं, इसलिए आपको बच के चलना चाहिए।